सबका स्वागत है टैलेंट कैरियर जीआरपी डोमेस्टिक एंड ओवरसीज कंसल्टेंसी सर्विस हैदरगुड़ा फ्रॉड है। नौजवान बच्चे इससे बचकर बेरोजगार नौजवानों को झूठे सपने दिखाकर पैसे लूट लिया करते थे फीस के नाम पर। आबिट्स पुलिस ने टैलेंट कैरियर जीआरपी डोमेस्टिक एंड ओवरसीज कंसल्टेंसी सर्विस हैदरगुड़ा के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है दुबई में नौकरी दिलवाने का झांसा देकर मासूम लोगों के लाखों रुपए लूटने वाले मोहम्मद अब्दुल वहाब नामी शख्स को एबिट्स पुलिस ने किया गिरफ्तार और इसके साथ ही मोहम्मद अब्दुल मुकीद के साथ और तीन अफराद फरार बताए जा रहे हैं। आइए नाजरीन देखें ये रिपोर्ट। विंग्स 9 चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो मेरा नाम सैयद फरीद है। हम लोग ये टैलेंट करियर ग्रुप से जो है पूरे जो है दुबई गए हुए हैं और दुबई में जितना भी हुआ पूरा फ्रॉड होकर हम लोगों के साथ रिटर्न आए हुए हैं। हम लोग 22 आदमी रिटर्न आए हुए और ऑलरेडी यहाँ के नए ऐसे लोगों के पूरे पासपोर्ट और पैसे पूरे लोगों के पास फंसे हुए हैं। तो पुलिस वालों से ये मालूम हुआ कि ऑलरेडी कल ये वहाँ जो है टैलेंट करियर ग्रुप वाला जो है कल पकड़े गया बोल के पता चला हमारे को। अभी पीएस में मालूम हुआ तो जाके अभी पीएस से जाके बात करके आए हम लोग। तो पीएस वाले कार्रवाई आगे बढ़ा रहे बोल के बोले, लेकिन हम लोगों के पास जो है उसके पास है पूरों के पासपोर्ट और हमारा पैसा अटका हुआ है। अब इसकी जिम्मेदारी कौन है? हम लोगों को 3 महीने से हम लोगों को तनख्वाह नहीं रही, जैसे हम लोग बहुत परेशानी झेल के आए। तो हम लोग हमारे नाम पे जो है 22 आदमी तक दुबई पहली बार भेजा है पहला बैच, उसके अंदर 22 जनों में जो है तकरीबन 20 जनों के ऊपर लोन लिया हुआ है। वो लोन लेके वो हम लोगों को फ्रॉड करा है। अब वहाँ भी हम लोगों को फ्रॉड से भी प्रॉब्लम है और यहाँ पे जो है हमारा नुकसान हो गया। 3 महीने से हम लोगों को तनख्वाह नहीं है, कुछ भी नहीं है। और हमारे सरकार से दुआ है कि बस हम लोगों को पैसा दिलाइए, हमारे को इंसाफ चाहिए। जो भी उनका ट्रैवल चाहिए, ये टैलेंट करियर ग्रुप के थ्रू गए वहाँ और मुखीब दौर जाने हम लोगों को भेजा है। ये ट्रैवल ये बशीरबाग पे है। पेपर में ऐड आया दोस्तों के थ्रू, पेपर में मैसेज आया कि भाई दुबई एक्सपो के लिए जॉब से आने वाले आ सकते हैं इंटरेस्टेड है, लगा के 6 महीने के लिए बोले बाद में 6 महीने बोल के एयरपोर्ट पे गए बाद में बोले कि इन लोगों का नहीं 2 साल का वीज़ा है, तुम लोग परेशान नको हो बोले। वहाँ गए बाद में वहाँ पे जो है एक दो तीन पंजाबी लोग थे, वो लोगों को भेज दिए कि इन वो पंजाबी लोग बोले कि तुम लोग को हम लोग 1-1 लाख रुपये में खरीद के तुम लोगों के ऊपर हम लोग लोना निकालने के लिए इधर बुलाए बोल के बोले। हम लोग के कामा नहीं करने का बोलते, हम लोग को बहुत परेशान करे वो लोग, जान का भी धोखा था कैसा कैसा। हम लोग निकल के आ गए वापस आए, लेकिन हम लोग को यहाँ पे इंसाफ चाहिए, हमारा पैसा चाहिए, हम लोग के पासपोर्ट आट के हुए पूरों के पासपोर्ट चाहिए। लोन कैसा लिए हो, कहाँ पर लिए? लोन बैंक्स में लिए, वो हम लोग का आइडिया नहीं रहता, हम लोग को कुछ भी नहीं बताते वो लोग। दुबई में लिए जी। आपके नाम पे लोन भी ले लिए? कितने का लोन लिए? कम से कम हर महीना 10 लाख रुपये तनख्वाह तो उठा लिए। 2 महीने ले लिए, दो महीने हमारे को 2500 तनख्वाह बोले थे इंडिया की, 50,000 तनख्वाह बोल के लेके जाके 10 लाख रुपये तनख्वाह डाला इंडिया की लोना निकालने के लिए। और वहाँ आपको मुखीब को पूरा पता है क्योंकि मैं ऑलरेडी बताया वो लोग को कि ऐसा फ्रॉड हो रहा हम लोगों के साथ। तो वो बोले कुछ भी नहीं होता, सबर करो बोले। सबर करे बाद में पूरा फ्रॉड सामने आ गया, ऐसा नुकसान हुआ हम लोगों का। कितने बच्चे हैं? कम से कम 60 से 70 बंदे हैं पूरे। 60,000 से 1-1 लाख रुपये तक बने हुए इसके अंदर पूरे जी। और